जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां खटीमा भारत नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 14 के पास तराई पूर्वी वन विभाग द्वारा कैंपा योजना के अंतर्गत 25 हेक्टेयर के वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सुरक्षा के लिए सीमा पिलर और बाड़ लगाना प्रस्तावित है, जिसके एक हिस्से में वन विभाग द्वारा बाड़ कर दिया गया, किंतु 3 जून को कुछ नेपाली नागरिकों द्वारा खंभे और तार बाल उखाड़ कर फेंक दिया गया। प्रशासन उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता है, उसमें जो हमारे वन विभाग द्वारा अपनी ही भारत की सीमा पर ही अपनी टेरिटरी पर ही प्लांटेशन का काम किया और 4 साल भी वो खोले जा रहे हैं, तो उसमें वो वृक्षों की सुरक्षा के लिए उनको तारपाट किया जा रहा है। एक जगह हमारा पिलर जो है क्षतिग्रस्त है, जिससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, कुछ नेपाली लोगों द्वारा वहाँ पर इसका विरोध किया गया, कुछ पिलर्स तोड़ दिए गए। अभी 2 बार हमारी लगातार उनसे मीटिंग हो गई है और आज भी हम गए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई अभिलेख वहाँ से प्रस्तुत नहीं किए गए। तो जब उन्होंने कहा कि और नेक्स्ट वीक में वो अभिलेख के साथ हमारे पास आएंगे और जो विवाद है वो सुलझ जाएगा। फिलहाल हमने जो जहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पर हमने तारबाड़ कर रहे हैं और वृक्षारोपण और 4 साल के लिए हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दोनों हम मित्र राष्ट्र हैं तो हमारे संबंध मजबूत होने चाहिए, तो हमने वहाँ की पुलिस फोर्स और उनके प्रशासन को यह निर्देश दे दिए हैं और कह दिया है, उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आप ऐसी घटनाएं जो होती हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि असामाजिक तत्व जो नेपाल की साइड से उनके द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। प्रशासन इससे सहमत है और उनकी जो पुलिस फोर्स है, जो वहाँ की पुलिस फोर्स है, उनके द्वारा भी सहमति व्यक्त की है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वन विभाग द्वारा हमारे भारतीय क्षेत्र में नो मैन्स लैंड से 15 फीट हटकर हमें कार्य जो है विभाग द्वारा वन विभाग खटीमा के द्वारा वन प्रभाग के अंतर्गत जो है कैंपा योजना के अंतर्गत 2 प्लाट 10 हेक्टेयर और 15 हेक्टेयर का जो है एक कार्य योजना के अनुसार जो है वृक्षारोपण प्रस्तावित था, जिसके उपरांत हमारे द्वारा जो है पहले ही खंबे और तार फेंसिंग कर दी गई, गड्ढे गड्ढे खोद दिए गए थे। कुछ नेपाली नागरिकों द्वारा जो है 3 तारीख को जो है उसमें जो है तार बाड़ को और खंभों को उखाड़ करके फेंक दिया गया था। इसको लेकर जो है खटीमा प्रशासन हमारा वन विभाग हो गया और खटीमा तहसील से जो है SDM साहब भी गए थे और आज जो है तहसील से जो है तहसीलदार मैडम गई थी और SSB के कमांडेंट साहब नेगी साहब भी आज मौके पर आए थे, जहाँ पर कि एक जो घटना है घटना के उपरांत जो है जो नानकमुनी नेपाल के जो के नाम उसके पॉलिटिक्स वाले जो थे और NGO जो है वहाँ के CDO साहब के जो प्रतिनिधि थे वो लोग आए और नेपाल पुलिस होगी और नेपाल के APF भी थी वहाँ मौके पर,